शिवपुरी के मगरौनी क्षेत्र में एक दर्जन किसानों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। मगरौनी में स्थित मां कालका ट्रेडर्स कृषि खाद बीज भंडार के खिलाफ शिकायती आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। किसानों का कहना है कि उनके द्वारा खेतों में धान की फसल लगाई थी और फसल में मां कालका ट्रेडर्स से दवाई खरीद कर छिड़काव किया था, जिससे फसल नष्ट हो गई। किसानों ने कृषि विभाग के अधिकारियों से शिकायत की थी, लेकिन दुकानदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब किसानों ने कलेक्टर से दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई करने और नष्ट हुई फसल का मुआवजा दिलाने की मांग की है। मामले में कलेक्टर ने जाँच कर कार्रवाई की बात कही है। वो अभी ध्यान में आई है, लोग उसका डिब्बा लेके आए हैं, नाग 850 के हैं। और वो संचालक किसी को बताया है, दो बातें बताई, एक तो ये कि इसका सैंपल ले ले और दूसरा उनकी टीम जा करके खेत में देख ले। क्या होता है कि कई बार जब केवल एक आस्पेक्ट पे करते हैं तो ये बताया जाता है कि किसानों ने जो प्रक्रिया अपनाई वो ठीक नहीं थी, तो कई किसानों का होगा इसका मतलब कि सैंपल में प्रॉब्लम है। सैंपल भी लेना जरूरी है और ये भी साबित करना जरूरी है कि किसी एक के खेत में नहीं, बहुतों के खेत में हुआ है।